हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज सतीश रघुवंशी और आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया सा टॉपिक लेकर आया हूं। और गाइस, ये जो आने वाले साल वाला आपके एग्जाम है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं क्यूए में, राइट? तो आज हम उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कौन से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आज वही हम डिस्कस करने वाले हैं। और आइए आज हम शानदार कोर्स के साथ अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। तो क्या है आज का कोर्स? अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। गाइज, जब तक मेहनत करें तब तक कि आप अपने गोल तक ना पहुंचे, राइट? उसी इंटेंसिटी से, उसी एनर्जी के साथ हमें डेली मेहनत करना है। ये नहीं कि हमने आज मेहनत कर ली, हम दूसरे दिन मेहनत नहीं कर रहे। हर दिन गाइज आपको उसी इंटेंसिटी के साथ मेहनत करना है, जब तक तब तक आप उस गोल को अचीव ना कर लो। और डेफिनेटली आप अचीव कर लोगे अगर डेली मेहनत करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो। गाइज, एक बार खुद के लिए ईमानदार बन जाओ, राइट? सब कुछ भूल जाओ, सारी दुनियादारी छोड़ दो कि भाई अभी एग्जाम तक मेरी जिंदगी में सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, मुझे पढ़ना है, बस पढ़ना और कुछ नहीं। अगर ये गोल लेकर आप आगे बढ़ोगे, ये सोचकर, इस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली गाइज आप एग्जाम को क्लियर आसानी से कर लोगे, आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली, राइट? तो डेली हमें मेहनत करते रहना है, ये नहीं हमें रुक जाना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। और गाइज, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम मेहनत करते रहेंगे। और अगर ऐसा करते रहे तो आप डेफिनेटली वहां तक पहुंच जाओगे। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है कि आईपीमेट इंदौर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और पहले इसके लास्ट ईयर के पहले की बात करेंगे और नेक्स्ट ईयर जो आने वाली ईयर के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, आज वो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखें इस सेशन को। तो गाइज, पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम से हम बात करें कि लास्ट ईयर मतलब 23 की बात करते हैं, तो 6 क्वेश्चन वहां पर पूछे गए थे। अब नंबर सिस्टम में ये सारे सब टॉपिक्स होते हैं, राइट? सबको मिलाकर आप पूरा नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से थोरली पढ़ते हो, तो 6 क्वेश्चन वहां पर पूछे गए थे और एक क्वेश्चन आपको पता है 4 मार्क्स का होता है। तो नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। तो गाइज, इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं सिर्फ 23 की बात नहीं कर रहा, इसके पहले की साल में भी जो भी एग्जाम हुए हैं, सभी में इससे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे गए हैं, राइट? तो आइए, नंबर सिस्टम तो आपको करना ही करना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, अर्थमेटिक पार्ट। अर्थमेटिक पार्ट में काफी टॉपिक आपके होते हैं, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से लास्ट ईयर जो क्वेश्चन थे, मतलब 23 की अगर मैं बात करूंगा, तो 23 में आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इनकम पॉइंट्स मिलाकर यहां से ही आपके 6 क्वेश्चन थे गाइस। मतलब समय लास्ट ईयर इनसे 6 क्वेश्चन थे और भी टॉपिक हैं जिनसे एक एक दो दो क्वेश्चन थे, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस से थे, राइट? इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके? लेकिन अगर इसके 23 के पहले साल की बात करते हैं, उसके पहले वाले साल, इट मींस 22 की हम बात करें, तो वहां पर रेसेस से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लीनियर रेसेस से, राइट? और टाइम इन वर्क में पाइपिंग सिस्टम से भी पूछे गए, एवरेज से हर साल क्वेश्चन आता था। तो हर एक टॉपिक से कहीं ना कहीं कुछ ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट लास्ट ईयर का वेटेज बात करूं कि इन्हीं टॉपिक से ज्यादा पूछे गए थे। और डेटा इंटरप्रिटेशन में 5 क्वेश्चन थे और गाइस, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत आसान था एमसीक्यूज में। 5, 4 या 20 मार्क्स का डेटा इंटरप्रिटेशन आया था, तो आप समझ सकते हो कट ऑफ तो आपका आसानी से क्लियर हो जाता। तो गाइस, इन टॉपिक को तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो ये टॉपिक मैंने लिखे हैं 6 क्वेश्चन, उसके बाद आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट इन स्टीम, रेसेस। टाइम स्पीड डिस्टेंस और रेसेस से क्वेश्चन आते रहे, इसलिए इसको भी करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन को भी करना है, और एवरेज से भी पूछता है, टाइम इन वर्क, पाइपिंग सिस्टम से पूछता है। इन टॉपिक को आपको ज्यादा फोकस करना है। तो अर्थमेटिक में आप समझ गए होंगे कौन सा पार्ट आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है, राइट? तो इन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है, टॉपिक टेस्ट लगाना है। एंड ज्योमेट्री मेंसुरेशन की बात कर लेते हैं। तो गाइस, लास्ट ईयर अगर 23 की बात करें तो ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं थे ज्योमेट्री मेंसुरेशन थे, एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे, राइट? अराउंड यही थे। लेकिन अगर उसके पहले साल वाली बात करें, कि होल ज्योमेट्री की बात करें, पूरे फुल ज्योमेट्री से मतलब 2 क्वेश्चन ही थे लास्ट ईयर, और फुल से अगर बात करें तो लगभग 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री से पूछे गए थे, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब कुछ मिक्स था। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर टोटल 4 क्वेश्चन लास्ट ईयर मतलब 22 में पूछे गए थे। 23 में तो 2 क्वेश्चन के अराउंड ही थे। बात समझ आ रही है? तो गाइस, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है।
इसके बाद देखो अपन एलजेब्रा की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ से तो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेटेज भी काफी होता है इस टॉपिक का। हम 23 की ही बात करते हैं, जैसे लॉगरिदम से 2 क्वेश्चन थे, फंक्शन से 4 क्वेश्चन, सीक्वेंस से सीरीज से 3 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन। ये तो मैं 23 की बात कर रहा हूँ, इसके प्रीवियस ईयर्स में भी काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो इनमें एक टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ओके गाइज, बात समझ में आ रही? आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि गाइज यहाँ पर मेहनत करना है। यहाँ ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पार्ट लगता है, बट आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, राइट? आपको प्रॉपर्टी सारी अच्छे से पता होंगी तो आप यहाँ पर नहीं फंसोगे। इस पार्ट को स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सारे लोग इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, लास्ट ईयर और उसके प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से काफी क्वेश्चन आते रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांस मैथ्स में क्या होता है। जैसे सेट थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। भाई ये देखो यहाँ से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप बिलीव कर सकते हो? तो इतना ज्यादा वेटेज यहाँ पर है। उसके बाद मैट्राइस से डिटरमिनेंट ट्रिग्नोमेट्री से भी पूछे गए हैं लास्ट ईयर या फिर उसके प्रीवियस ईयर में, बट अगेन ज्यादा वेटेज कहाँ से? यहाँ से। तो जो ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक है उनको तो करना है, वहां से तो पूछे ही जा रहे हैं बार बार। बात समझ में आ गई? और कुछ जो टॉपिक बचे हैं उनको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा ही हमने छोड़ दिया। तो गाइस आई होप कि ये टॉपिक जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं आज की वीडियो में, ये आपकी हेल्प करेंगे। जहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर लिख रखा है उन टॉपिक को तो आपको अच्छे से करना ही है। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच, और ऐसे सेशन के लिए वेट करिए। मैं और भी बढ़िया बढ़िया सेशन लाऊंगा जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, और आई होप कि 24 में आप एग्जाम क्लियर कर लोगे बढ़िया रैंक से। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।